देख सकते हैं कि किसानों की मुंह आ गए आई थाली, किस कदर यहां पर बिस्तर हो गई है। कल बुधवार की रात को आंधी और तूफान से फसलें नष्ट हो गई हैं। यहां पर आपकी ये खेत किसका है जी वाला? ये मेरा है जी खेत। ये खेत एकदम बिल्कुल फसल एकदम चौपट हो चुकी है, 100% मर चुकी फसल। कर्जा करके मैंने जो खेत लो तो रकम गिरवी धर के लाई थी, कर्जा होगा, अब कर्जा कैसे पटे बोले। तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं शासन का छूट दे सके हमें, आपका सर्वे कराया जाए, इसका इसके बदले में मुआवजा मिले। हाँ करवाया जाए, मौके देखी जाए फसल होता। क्या नाम लिखते हैं आप? कल्याण सिंह। इस बार फसलें अच्छी थी? हाँ फसल अच्छी थी। क्या उम्मीदें थी फसलों से इस बार आपको? फसलों की ये उम्मीद थी कि अच्छी बाल बच्चे थे, अच्छी गुजारिश चलेगी और कर्जा पानी है वो पटाएंगे और जो है अपनी साल भर का आर्थिक स्थिति सही चलेगी। लेकिन कल शाम को जो हवा आंधी आई है, इससे आपको नुकसान हुआ आपकी फसल को? हाँ बिल्कुल 100% नुकसान हुआ, पूरी फसल चौपट हो गई। कुछ किसानों को हुआ है, कुछ किसानों को नहीं हुआ है? हाँ कुछ किसानों को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ। मैंने ठेके पर खेत लिया था और उसी में डबल बोनी की थी और इसके अलावा भी भगवान को यही मंजूर था कि पूरी 100% फसल नष्ट हो चुकी है। तो आप शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी शासन ये मंजूर हो तो वो गरीब लोगों के लिए दे सकते हैं। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं चाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। देख सकते हैं कि किसानों की मुंह आ गए आई थाली, किस कदर यहां पर बिस्तर हो गई है। कल बुधवार की रात को आंधी और तूफान से फसलें नष्ट हो गई हैं। यहां पर आपकी ये खेत किसका है जी वाला? ये मेरा है जी खेत। ये खेत एकदम बिल्कुल फसल एकदम चौपट हो चुकी है, 100% मर चुकी फसल। कर्जा करके मैंने जो खेत लो तो रकम गिरवी धर के लाई थी, कर्जा होगा, अब कर्जा कैसे पटे बोले। तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं शासन का छूट दे सके हमें, आपका सर्वे कराया जाए, इसका इसके बदले में मुआवजा मिले। हाँ करवाया जाए, मौके देखी जाए फसल होता। क्या नाम लिखते हैं आप? कल्याण सिंह। इस बार फसलें अच्छी थी? हाँ फसल अच्छी थी। क्या उम्मीदें थी फसलों से इस बार आपको? फसलों की ये उम्मीद थी कि अच्छी बाल बच्चे थे, अच्छी गुजारिश चलेगी और कर्जा पानी है वो पटाएंगे और जो है अपनी साल भर का आर्थिक स्थिति सही चलेगी। लेकिन कल शाम को जो हवा आंधी आई है, इससे आपको नुकसान हुआ आपकी फसल को? हाँ बिल्कुल 100% नुकसान हुआ, पूरी फसल चौपट हो गई। कुछ किसानों को हुआ है, कुछ किसानों को नहीं हुआ है? हाँ कुछ किसानों को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ। मैंने ठेके पर खेत लिया था और उसी में डबल बोनी की थी और इसके अलावा भी भगवान को यही मंजूर था कि पूरी 100% फसल नष्ट हो चुकी है। तो आप शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी शासन ये मंजूर हो तो वो गरीब लोगों के लिए दे सकते हैं। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं चाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।